इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी में जो मौसम का मिजाज है वो पूरी तरीके से बदल चुका है। काली घटाएं आसमान में देखने को मिल रही है और राजधानी जयपुर में काले बादल फिलहाल छाए हुए हैं। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ में तेज बारिश भी राजधानी में जारी है। जी हां, राजधानी में जो मौसम का मिजाज है वो बदल गया है। एमआई रोड, सी स्कीम, 22 गोदाम और सोजाला, साथ ही में टॉक रोड पर, वैशाली नगर पर भी, डीसीएम पर और मानसरोवर में भी फिलहाल तेज बारिश जारी है। आसमान में फिलहाल काले बादल छाए हुए हैं और लगातार जो मौसम का मिजाज है वो बदलता ही जा रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, तेज बारिश का दौर राजधानी जयपुर के कई इलाकों में फिलहाल जारी है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं लगातार जो राजधानी में बारिश का दौर है वो जारी है। चूंकि मौसम विभाग की ओर से पहले से ही आज के लिए और अगले आगामी 3 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया गया था कि प्रदेश में 10 जिलों को यहां पर अलर्ट पर डाला गया था। निसर्ग जो तूफान है उसके चलते ये संभावना जाहिर की गई थी कि राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में इसका प्रभाव पड़ेगा। चूंकि निसर्ग जो है वो धीरे धीरे मुंबई के तटीय क्षेत्र के नजदीक पहुंचता जा रहा है तो उसका असर कहीं ना कहीं राजधानी जयपुर में भी देखने को मिला। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए एवं संवाददाता लोकेश ओला फोन लाइन पर फिलहाल जुड़ चुके हैं। लोकेश, मौसम विभाग ने जिस प्रकार से अलर्ट यहां पर जारी किया था, संभावना जाहिर की थी कि निसर्ग का जो असर है वो राजस्थान में भी देखने को मिलेगा, लिहाजा यहां पर हम देख पा रहे हैं कि राजधानी में कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। क्या पूरी अपडेट है आपके पास? जी, देखिए, जिस तरह से मौसम विभाग ने जो निसर्ग को लेकर जो अलर्ट जारी किया था प्रदेश में, उसको लेकर आज प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो चुकी है। बारिश का दौर उसी में बात करें तो तकरीबन आज प्रदेश में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आज हवाएं चल रही है और उसी के साथ में आज ये निसर्ग से पूर्व का जो बताया जा सकता है कि जो असर है वो यहाँ पे देखा जा रहा है। हालांकि निसर्ग का जो असर है अधिकतर वो 4 जून को बताया जा रहा है। ऐसे में आज की बात करें तो आज प्रदेश के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हो चुका है, जिसमें बात करें तो पाली, झुंझुनू के साथ साथ बात करें तो जयपुर में भी जो बारिश का दौर है वो शुरू हो चुका है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बात करें, दक्षिण पूर्वी राजस्थान के जिसमें उदयपुर संभाग में लगातार बारिश का दौर है वो शुरू हो चुका है। वहाँ तेज हवाओं के साथ में बारिश शुरू हो चुकी है और उसी में जिस तरह से सिरोही, जालोर, डूंगरपुर, बाड़मेर के क्षेत्र में लगातार जो बारिश है वो शुरू हो चुकी है। इसी तरह बात करें तो कोटा संभाग में भी बारिश का दौर है फिर से शुरू हो चुका है। निसर्ग से पूर्व का ये जो अनुमान है जो लगाया गया था वो यहाँ पर सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने 4 जून को और ही तेज यानी हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना है वो भी जताई है। वो जिस तरह से आज की जो बारिश जो शुरू हो चुकी है उसमें जयपुर के साथ साथ तो जयपुर संभाग के जो दौसा है, टोंक के जो जिले हैं उनमें भी बारिश का दौर है वो शुरू हो चुका है। जिस तरह से तेज हवाओं के साथ तकरीबन मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान लगाया था उसमें पूरे राजस्थान की बात करें तो कपासगंज, पूरे राजस्थान की चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़ से क्षेत्र है, राजसमंद क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में जो हवाएं हैं हवाओं के साथ में आज बारिश शुरू हो चुकी है। ऐसे में लगातार जो मौसम विभाग ने जो चेतावनी जाहिर की थी उसको लेकर जो अलर्ट है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। जी जी तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया लोकेश।